हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि आजकल आपको लो फील क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है, एंजल मैसेज क्या है आपके लिए, एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबको बताना चाहती हूं कैंडल मैजिक वर्कशॉप के बारे में, जो कि 7 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। आपको 6 अक्टूबर तक इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है। डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। व्हाट्सएप कीजिए, मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी व्हाट्सएप नंबर पर कि किस तरह से आपको इनरोल करवाना है और आपको इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो इसकी लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 6 अक्टूबर तक है। उससे पहले पहले ही आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। 7 अक्टूबर मॉर्निंग से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अब आपके लिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, आप आजकल लो वाइब्स क्यों फील कर रहे हैं, आप नेगेटिव क्यों फील कर रहे हैं, आपको आजकल पेन क्यों हो रहा है, आपको आजकल किसी की याद ज़्यादा क्यों सता रही है। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए ही होने वाली है जिनको भी ज़रूरत होगी इस रीडिंग की, वो अपने आप ही इस रीडिंग के कांटेक्ट में आ जाएंगे। और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस आप लोगों के लिए। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तब आप इससे रेजोनेट अगर रीडिंग करती है तो ज़रूर इसमें दी गई गाइडेंस को भी आप फॉलो कर सकते हैं। यस, सबसे पहला मैसेज आपके लिए यस आ रहा है। अगर आप एंजल से कुछ पूछना चाहते थे या कोई सवाल था आपके मन में कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, वो मुझे मिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मैं ये काम करूं या ना काम करूं, मैं वहां जाऊं या ना जाऊं, जो भी आपके सवाल थे, सबसे पहले एंजल आपको मैसेज देना चाहते हैं यस। आप जो भी काम के बारे में इस वक्त अभी सोच रहे हैं, कुछ लोगों को लो वाइब्स देखिए फील हो रहा है, जैसे कि लेट गो ना कर पाने की वजह से। तो आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कार्ड आया है रिवर्स में, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लेट गो करिए पुरानी चीज़ों को। जो लोग चले गए हैं आपको छोड़ के, सबसे पहले उनको लेट गो करना सीखे, ठीक है। लेट गो इन द सेंस उनको माफ़ करें। जो चीज़ आपको अभी भी पेन दे रही हैं, जो बातें अभी भी आपको याद आ रही हैं, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पास्ट की बातें आपको याद आ रही हैं, पास्ट के हर्ट्स आपको याद आ रहे हैं कि किसने आपको इन दिनों मिस पास्ट में आपको किसने कितना हर्ट किया। आपको अब हर लोग याद आ रहे हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव में हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स में हों, चाहे वो आपके नाउन हो या जिनसे भी आप प्यार करते हैं, या कोई भी आपका पर्सन है, आपको अब पास्ट मेमोरीज मुझे दिख रहा है कि वो सब चीज़ें याद आ रही हैं। एक एक लेयर अभी ओपन हो रही है, जिस वजह से आप थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहे होगे इन दिनों, लेट गो नहीं कर पा रहे हो इन दिनों, ये दिख रहा है। तो आपको लेट गो कर देना चाहिए। एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इन दिनों जो भी वाइब्स फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, किसी भी पेन में हैं, किसी भी हर्ट में हैं, अगर वो यादें आपको तकलीफ़ दे रही हैं तो उनको छोड़ दें, लेट गो कर दें, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव। जो कुछ भी हुआ, जैसा भी हुआ,
जिस भी हालात में हुआ, जो भी सिचुएशन सामने वाले की थी, जो भी सिचुएशन आपकी थी, आप उसमें पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करें। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। मीन्स अगर किसी ने आपको हर्ट किया या कोई लॉस किया है, तो हम वो चीज़ें कई बार ना याद कर करके परेशान होते हैं, तो हम कभी कभी ये सोचते रहते हैं कि उनके साथ ऐसा कब होगा, उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा सज़ा मिलनी चाहिए। तो ऐसे में आपको बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहो, आप बदले में कुछ भी कौड़ अपनी दूसरे के साथ मत जोड़ो, ठीक है? अगर उन्होंने आपके साथ कुछ किया है, अगर आप उनको माफ़ कर देते हो, पॉजिटिव रहते हो, उनको ब्लेस करो। जो भी लोग इन दिनों आपको बुरा फील करवा रहे हो, आप उनको ब्लेस करना स्टार्ट करो। क्योंकि इस वक्त ऐसा मुझे दिख रहा है कि कोई भी बात, इन दिनों आपको कोई भी कुछ भी बोलेगा, वो बात आपके दिल पे लग जाएगी। तो आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला गया है कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश करो, कि चलो कोई बात नहीं, उसने किया तो किया, छोड़ो उसको, ठीक है? इस तरह से आप इन दिनों लेट गो करना आपके लिए इजी हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हम होते तो हमसे भी तो हो सकता था, उसने गलती कर दी तो कोई बात नहीं, छोड़ो। इस तरह से अगर आप अपना बिहेवियर रखते हैं इन दिनों, तो आप पॉजिटिव रह पाएंगे। लेट गो ना करने की वजह से ही आपको लो वाइस फील हो रही है, अचानक से आपको पुरानी बातें याद आ रही हैं। वेट, कुछ पॉजिटिव रहो। अगर चीज़ें अभी आपके फेवर में नहीं भी हैं, आपको वेट करने के लिए बोला जा रहा है, आप वेट करो, अभी सही वक्त आने का इंतज़ार करो, ठीक है? आर्कएंजल माइकल, मैं समझ सकती हूँ कि उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है, प्रोटेक्शन आपके साथ है। ये लोग अगर आपको परेशान कर रहे हैं या आपको समझ नहीं रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको इन दिनों उनको कुछ नहीं बोलना है, सही वक्त का इंतज़ार करो। उनको भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, जो भी आपको परेशान कर रहे हैं या मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। देखिए, अगेन बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, जो भी सिचुएशन अभी इस वक्त आपकी है, वो इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत ही जल्दी हो जाएगी, वक्त नहीं लगेगा, बट उतना ही जल्दी हो जाएगा जितने जल्दी आप लेट गो कर दोगे। बस प्रॉब्लम ये है, लेट गो ना कर पाने की, दूसरों को माफ़ ना कर पाने की, एक्सेप्टेंस। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम कुछ देर के लिए तो माफ़ कर पाते हैं, बट सडनली कुछ ऐसा होता है, फिर से हमको वो चीज़ें याद आ जाती हैं, तो हमको पता चलता है कि नहीं, अभी भी हमने अच्छे से माफ़ नहीं किया, अभी भी हमारे अंदर ब्लॉकेज है। तो इस तरह से आप जैसे जैसे अपने आप अपने हार्ट चक्रा पे काम करेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा, तो आपके लिए माफ़ कर पाना भी इजी हो जाएगा। टैरो से देख लेते हैं एंजल आपको क्यों कहना चाह क्या कहना चाहते हैं ऐसे कंडीशन में। टेन ऑफ पेंटिकल, आपको अपनी फैमिली की वजह से कुछ करना है, आई मीन फैमिली के लिए कुछ करना है, ये मुझे दिख रहा है। आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, उसके लिए भी आप परेशान हो रहे हैं कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, स्लो मुझे दिख रहा है। अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड कुछ जुड़ा हुआ देख रहे हैं इस रीडिंग में, चीज़ें स्लो हैं, तो आपके लिए गाइडेंस है कि थोड़ा सा और एफर्ट करना है, ताकि आप यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आ पाओ। आपको अभी ना थोड़ा सा हार्डवर्क करना है। यहाँ पे वेट भी आपको बोला जा रहा है। अगर ये करियर से ही रिलेटेड आपने कुछ सवाल जानने थे, पहचानने हैं, तो टाइम देखो, आपकी वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक तो हो जाएगी, टेन ऑफ पेंटिकल हमारे पास है, बट गाइडेंस में यही आ रहा है कि थोड़ा सा और हार्डवर्क अभी करना है, थोड़ा सा पेशेंस आपको अभी रखना है।
और रिलेशनशिप में बोलूँ तो यस, आपको थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिखता है प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, आपको प्रोटेक्शन लेना चाहिए अपने रिलेशनशिप के लिए। हैंग्ड मैन इन रिवर्स, देखो अभी क्या है कि कुछ चीज़ों का जो भी डिले हो रहा है ना आपने काफ़ी टाइम से, अगर क्योंकि ये कार्ड अपराइट रिवर्स में आना अच्छा मैं साइन समझती हूँ, ये है कि बहुत टाइम से आपके जो काम रुके हुए थे वो बनने वाले हैं, आपका जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाएगी, आपको सही एक्शन अब ले लेना चाहिए। जो रुके हुए काम हैं वो आपके बनने वाले हैं, जैसे कि पहले आपको काफ़ी लेट हुआ है, अगर काफ़ी टाइम से कहीं से कोई पैसा नहीं आया है, कहीं से कोई गुड न्यूज़ नहीं आई, या कुछ आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था आपको नहीं मिला, तो अभी वो चीज़ें एक एक करके आपकी आने ही वाली हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार अभी और बचा है, पहले जितना नहीं। आपने काफ़ी सालों इंतज़ार किया है किसी चीज़ के लिए, अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी के लिए, अपने करियर की स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी टाइम से आप इंतज़ार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बट अभी एंजल की तरफ से यही मैसेज आ रहा है कि अब वो इंतजार आपका खत्म होने वाला है, कुछ ही टाइम थोड़ा सा और इंतजार करना है, ज्यादा लंबा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाइए। यस बिल्कुल एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी, जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो भी आप नया स्टार्ट करने वाले हैं उसमें भी मुझे दिख रहा है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है। यहाँ पे दोनों ही कार्ड मुझे ये दिखा रहे हैं मनी से रिलेटेड, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे ना अर्थ एनर्जी ज़्यादा है, टॉरस कैप्रिकॉर्न वीर्गो वालों की एनर्जी मुझे ज़्यादा पिक हो रही है, और अगर आप नहीं भी हैं ऐसे साइन वाले तब भी मैं आपको यही बोलूँगी कि फाइनेंशियल चीज़ें आपके फेवर में हैं, बस थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है, ये आज की रीडिंग में आ रहा है। तो बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टू ऑफ कप, तो रिलेशनशिप को लेके अगर आप वरी में है, किसी तरह की चिंता में है, देखो आपको चिंता नहीं करनी, हाँ थोड़ा सा प्रोटेक्शन की ज़रूरत मुझे फील हो रही है आप लोगों के लिए, रिलेशनशिप के लिए या करियर के लिए, तो आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं, आर्कएंजल माइकल से हेल्प ले सकते हैं, तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहें और अपने अच्छे भविष्य के लिए आगे बढ़ें, ठीक है। आपका फाइनेंशियल और मैं देख रही हूँ रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं, अगर आप किसी से भी प्यार करते हैं तो बहुत जल्दी ही यहाँ पे दिख रहा है कि आपका उनके साथ कोई कांटेक्ट हो सकता है, बात हो सकता है, शादी की बात अगर चल रही है तो बिल्कुल आपकी शादी फिक्स होने वाली है, कोई एक्स है आपका तो वो बहुत जल्दी ही आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। होप गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।